एक और बहुत बड़ा नियम लाया है कि बहुत सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं जो मार्जिन में एक्सेप्ट होते थे, अब अगस्त से 1000 से 1100 स्क्रिप्ट अब मार्जिन में एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो लोगों की जो कैपिटल है इस मार्केट में वो कम होगी एफ एंड ओ के लिए। तीसरी बड़ी मूव जो सेबी ने की थी कि स्टॉक्स को अंदर लाने के लिए एफ एंड ओ सेगमेंट में उन्होंने एक क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट कर दी। यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा भी रिएक्ट होता है या वॉल्यूम्स कम होते हैं तो काफी जो स्क्रिप्ट्स है वो एफ एंड ओ सेगमेंट के बाहर जा सकते हैं। और चौथी जो बड़ी मूव फाइनेंस मिनिस्ट्री ने की थी वो भी 1 अक्टूबर से लागू होगा कि 60% 60% एफ एंड ओ में टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो इसके अलावा हमने ये कहा था कि आप लॉट साइज बढ़ा दो और कुछ मत करो, आप उसके बाद डेटा लो और फिर अगर आपको फिर भी लगे कि वॉल्यूम कम नहीं हो रहे तो ये दूसरे कदम लिए जा सकते। पर लगता है सेबी ने एक ही साथ सातों कदम को प्रपोज किया है। इसमें से कुछ कदम तो ठीक है मार्केट अब्सॉर्ब कर लेगा, जैसे कि ऑप्शन प्रीमियम अपफ्रंट, मेरे ख्याल से ये होना ही चाहिए था, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉट साइज इंक्रीज ये भी कर सकते हैं क्योंकि दुनिया में बहुत सारे एक्सचेंजेस में लॉट साइज एफ एंड ओ में बड़े होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा घातक रेगुलेशन जो प्रपोज है, ये हर एक्सचेंज को आपने कोटा दे दिया कि आप एक इंडेक्स को वीकली एक्सपायरी कर सकते हैं और बाकी को आपको मंथली एक्सपायरी रखनी पड़ेगी। इस नजरिए से आप देखें तो एनएसई को बहुत ही भारी ब्लो लगेगा क्योंकि आपने जो कहा है वो बेंचमार्क इंडेक्स को आप वीकली रख सकते हैं, तो मतलब एनएसई निफ्टी को रख सकता है। लेकिन एनएसई की जो सबसे ज्यादा भारी वॉल्यूम होती थी वो बैंक निफ्टी के वीकली में होती थी, तो अगर एनएसई को ये छोड़ना पड़े तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा झटका है एनएसई को। लेकिन ये बताएं कि सर फायदा किसे होगा और कितना? देखिए फायदा किसे भी नहीं होगा, जो डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी भी वॉल्यूम कम होगी फायदा, और वैसे कोई भी ब्रोकरेज को फायदा नहीं होगा। लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर में मुझे लगता है बीएसई को इसमें थोड़ा फायदा हो सकता है। एक डिस्क्लोजर कि मैं बीएसई के शेयर्स इन्वेस्ट रखता हूं, लेकिन अगर आप देखें कि एनएसई का मार्केट शेयर 85% था और अब आपने कोटा सिस्टम कर दिया है 1 पर एक्सचेंज, तो आपने बीएसई और एनएसई को एक तरह से बराबरी के स्तर पे लाके रख दिया है। अच्छा सर, जो सेबी की सबसे बड़ी चिंता है, जो आप हम देख भी रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर्स बड़े एफएनओ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग में कूद रहे हैं, खास तौर से एक्सपायरी के दिन, क्योंकि डेली एक्सपायरी है तो आज किसकी एक्सपायरी, चलो इसके ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, अच्छा बचे हुए घंटे 1.5-2 घंटे में ट्रेड कर लेते हैं, लगे ही तो लॉटरी। तो क्या वाकई में रिटेल ट्रेडर्स अब इससे थोड़े दूर होंगे? पहला सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये कि क्या रिटेल ट्रेडर्स अब इन्वेस्टर्स बनने की तरफ रुख करेंगे, जो कि शायद सेबी का और सभी का इरादा भी है? देखिए आपने जो कहा कि रिटेल ट्रेडर ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप आज भी देखें और जो एफ एंड ओ के बाहर है जहां आप सोच रहे हैं रिटेल ट्रेडर इन्वेस्ट करेंगे, उसकी पीक 35 पे चल रही है, तो ऑलरेडी एक फ्रेंजी एफ एंड ओ के बाहर बिल्डअप हो रहा है। तो अगर हम इसको एफ एंड ओ से निकाल के और उस दायरे में अगर हमने पुश कर दिया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर को बहुत बड़ी मार, ये जब फ्रेंजी जब खत्म होगी और जब स्मॉल कैप्स यानी के एफ एंड ओ। दूसरी बात यह है कि आपने जो लॉट साइज बढ़ाई है, इसके साथ अगर आपने एक रिक्वायरमेंट रखी होती कि आपको अगर एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करना है, आपको भले ही ऑप्शन लेना हो या बेचना हो, आपको 5 लाख रुपए जमा रखने पड़ेंगे, तो मेरे ख्याल से ये बाइंग वर्सेस सेलिंग की जो फ्रेंजी है कि रिटेल जाके लास्ट मिनट में या लास्ट 1 घंटे में एक 10 पैसे का ऑप्शन या 1 रुपए का ऑप्शन 50,000 ले लेता है और आपको देने कितने 50,000 रुपए देने हैं। अगर आपने मिनिमम एंट्री 5 लाख रख दी होती कि आपको उतना कैपिटल रखना है ब्रोकर्स पे, तो मेरे ख्याल से रिटेल की जो प्रॉब्लम है वो वहीं सॉल्व हो जाती, आपको ये दूसरे कदम लेने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक बात है, तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब ये बताएं सर कि जो कुछ भी अब ये नियम बदलने की तैयारी है, क्या इसका मार्केट की लिक्विडिटी पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि इंडेक्स पर ही नियम आ रहे हैं, जहाँ तक मेरी समझ, शायद स्टॉक फ्यूचर्स पर नियम नहीं आ रहे, राइट?
स्टॉक फ्यूचर्स पे तो नियम आ चुके हैं, आपने 3 गुना उसको कड़क कर दिया नियम को, एंट्री इनटू F&O सेगमेंट। आज की लिक्विडिटी में हम मान सकते हैं कि 10-15 स्टॉक बढ़ जाएंगे, लेकिन हम ये लिक्विडिटी रहेगी ये हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। जब भी मार्केट थोड़ी रिएक्ट करेगी और लिक्विडिटी थोड़ी कम होगी, हमें पता चलेगा कि 50 स्टॉक F&O से निकल गए हैं, तो कहीं ना कहीं और जो कोलेटरल भी एक्सेप्टेबल है F&O के लिए, वो भी स्टॉक्स की लिस्ट बहुत कम कर दी गई है। तो जो स्टॉक्स पे जो एक्शन था वो तो पहले ही ले लिया गया, अब जो बचा कुचा एक्शन है वो इंडाइसेस पे से भी ले रही है। सर, तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर इस बात पे तो